दोस्तों हम सभी ने बचपन में ये वाली पोएम तो जरूर गाई है, बाबा बाबा ब्लैक शिप हैव यू एनी वुल, यस सर यस सर यस आई हैव वुल, ऐसे कुछ समथिंग लाइक पोएम है, आप सभी ने गाई होगी या फिर सुनी तो जरूर होगी। लेकिन ज़रा सोचो अगर ये बाबा बाबा ब्लैक शिप बन जाए डर का खौफनाक चेहरा तो। जहाँ दोस्तों ये बात तो सच है कि हम ह्यूमंस काफ़ी लंबे समय से जानवरों का इस्तेमाल अपने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स और अपने अपने मतलब के लिए करते आए हैं और शायद तक आगे भी करते रहेंगे, वहीं पर दोस्तों कभी कभार हमारी छोटी छोटी गलतियाँ बन जाती है काफ़ी लोगों की जान का दुश्मन। और वहीं पर दूसरी ओर किसी ने सच कहा है कि यार जितना हम चीज़ों से डरेंगे ना किसी चीज़ को लेकर के वो चीज़ हमें उतना ही डराएगी, लेकिन अगर हम उसका डटकर सामना कर ले तो वो हमसे ही डरकर भागने लग जाएगी। तो दोस्तों आज की हमारी मूवी भी कुछ ऐसी ही है जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा एक इंसान की गलती का इफ़ेक्ट, तो वहीं दूसरी ओर देखने को मिलेगा एक इंसान के डर का फोबिया। साल 2007 में आई मूवी ब्लैक शीप जो आपको हॉरर और थ्रिलर दोनों का एक्सपीरियंस कराती है, जिसके अंदर आपको इतना ज़्यादा डर तो नहीं पर कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा तो लगेगा ही, जो आपके लिए काफ़ी मज़ेदार होगा, एंटरटेनिंग होगा, इंटरेस्टिंग होगा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शिवा और आप सबने सर्च किया है मेराटाशन चैनल। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ब्लैक शीप मूवी के बारे में, तो फटाफट से बढ़ाते हैं वीडियो को आगे और करते हैं इस मूवी को लेकर के डिस्कस, तो फटाफट से चलते हैं आगे। वहीं पर दोस्तों अगर बात करें मूवी की स्टोरी लाइन की, तो दोस्तों मूवी की स्टोरी लाइन बेस्ड है दो भाइयों की कहानी के ऊपर, एक का नाम है हेनरी एक का नाम है एंगस, जहाँ पर जो हेनरी होता है उसे शीप से फोबिया होता है और जहाँ पर दूसरे और एंगस होता है उसे शौक होता है एक्सपेरिमेंट्स करने का अलग अलग। वहाँ पर देखते हैं हम लोग कि समय गुजरता है और हेनरी अपनी पूरी पढ़ाई कर बड़ा होकर वापस से गांव में अपने लौटता है, मतलब जहाँ पे वो लोग रहते हैं, और वहाँ पर एंगस ना एक्सपेरिमेंट करता है कुछ भेड़ों के ऊपर जिसके कारण वो सभी भेड़ें इन्फेक्टेड हो जाती हैं, और तब तक जब तक पता चलता है ना उस हेनरी को उस चीज़ों के बारे में तब तक काफ़ी समय लग जाता है, मतलब काफ़ी देर हो चुकी होती है और सारी भेड़ें इन्फेक्टेड हो चुकी होती है और वो हमला करना शुरू कर देती है लोगों के ऊपर। और वहीं दूसरे हम देखते हैं कि हेनरी का इन सब से निपटने के अंदर मदद करती है, वो करती है यार एक लड़की जिसका नाम तो मुझे याद नहीं है, बट वो करती है इसके अंदर इसकी मदद और एंड में जाके सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है। लेकिन वहीं पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको मैंने नहीं बताई है, जैसे कि बहुत सारे सीन्स आते हैं जहाँ पर वो बहुत डरावना सा सीन आता है, गाड़ी वाला और कुछ ऐसा गुफा वाला भी सीन आता है, वो भी बहुत मज़ेदार है, जहाँ पर आपको अजीब सा लगेगा, थोड़ा डर टाइप लगेगा। और वहीं दोस्तों अगर बात करूँ तो यार ये मूवी डरावनी है, थ्रिलर है, हॉरर दोनों है, लेकिन इतनी भी ज़्यादा वो नहीं गया कि भाई बहुत ज़्यादा डरावनी हो गया, ऐसा कुछ ठीक ठाक है। 2006 में रिलीज़ होती ना तो अच्छी है, देखो यार पुराने टाइम की मूवीज़ अच्छी होती थी काफ़ी, आजकल की मूवीज़ थी वहाँ पे उस समय मज़ा भी आता था देखने में। और वहीं ये मूवी आपको हिंदी में भी अवेलेबल हो जाएगी तो हिंदी में भी देख सकते हो यार, तो देर किस चीज़ की करो, अभी जाके देख लो। और हाँ एक और चीज़, प्लीज़ इस मूवी का ना ट्रेलर मत देखना, ट्रेलर देखे बगैर ही इस मूवी को देखना, नहीं तो आपको बहुत सारे स्पॉयलर्स मिल जाएंगे, मज़ा नहीं आएगा मूवी देखने के अंदर। तो यार जाओ देखो और फिर वापस आओ, मुझे बताओ ये मूवी कैसी लगी आपको, कमेंट्स करके बताना भूलना मत, ठीक है। दोस्तों अगर आपको करनी है मुझसे कुछ बात या कुछ करनी है शिकायत तो आप लोगों को मैं मिल जाऊंगा इंस्टाग्राम अकाउंट पे, मुझे DM कर सकते हो, नहीं तो यार कमेंट सेक्शन तो है जिंदाबाद, कमेंट्स करो। वहीं पर अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट्स करके ज़रूर बताना। वहीं पर अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को ना प्लीज़ सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना और साथ ही साथ उस बेल आइकन की घंटी को दबा लेना ताकि जब भी कोई नोटिफिकेशन आए तो आप उसे मिस ना कर दें। वहीं पर मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।